फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। और वीडियो के लिए तो आप देख ही चुके हैं तो फ्रेंड्स, और डिस्प्ले पे भी आपको वीडियो के लिए तो नजर आ ही रहा है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के जो वीडियो अभी टिकटॉक पे बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। इस टाइप का जो वीडियो वॉच टाइम बहुत ही ज्यादा अच्छा से मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, लाइक फॉलोअर्स मतलब कमेंट बहुत सारा। इस टाइप के जो वीडियो कहा जाए तो अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, वायरल हो रहे हैं जो भी डाल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मैं बात करूंगा इसी ट्यूटोरियल के बारे में कि इसको आप कैसे बना सकते हैं। मैं मोबाइल से मतलब काइनमास्टर के थ्रू आप कैसे बना सकते हैं बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे बना सकते हैं, इस टाइप का एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और लाइक अभी से कर दे, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया लेटेस्ट इफेक्टिंग वाला वीडियो या कोई भी ट्यूटोरियल डालू तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। और तो पहला नंबर भाग में मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे वीडियो को शूटिंग करें, ठीक है, शूट कैसे करें उस टाइप से आप शूट कर लेना। और दूसरा नंबर में भाग में बताऊंगा कि आप कैसे मतलब एडिटिंग करें। तो दोनों भाग को आप ध्यान से देखना फ्रेंड्स, इसकी मत करना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि इस तरह का वीडियो शूट कर लेनी है अपने मोबाइल स्क्रीन से, मतलब कि फुल स्क्रीन पे करके शूट कर लेना। और शूट करते समय एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको शर्ट को ऐसे कुछ ऐसे इफेक्ट के साथ करना है, मतलब शर्ट पहन के एक बार ऐसे कर लिए और उसके बाद शर्ट खोलने के बाद जब आप शर्ट को हाथ में पकड़ेंगे तो आपको इससे झुक जाना है ताकि लगे कि आप उससे निकले हैं, मतलब कुछ ऐसे सामान से इफेक्ट से झटका दे के निकले। इस टाइप का इफेक्ट से आपको वीडियो को शर्ट को मतलब कि पहन के उतारना है, ठीक है, इसी तरह से कुछ इस तरह से कर लेना। इस तरह से जब आप शूट कर लेंगे फ्रेंड्स, ये मैं जल्दी जल्दी शूट करके बताया हूँ। तो शूट करने के बाद आपको काइनमास्टर, तो फ्रेंड्स अब आपको काइनमास्टर को ओपन करना है। और काइनमास्टर को जैसे ही ओपन करते हैं वहाँ आपको इस वीडियो को इंपोर्ट करना है, जो वीडियो आपने शूट करी है उस वीडियो को यहाँ इंपोर्ट कर देना। जैसे कि मैंने इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान देनी, इस वीडियो का जो लेयर है, ठीक है, इस वीडियो को दो अंगुली में टच करके वीडियो को लॉन्ग कर देना ताकि जब आप वीडियो को कट लगाएं बीच बीच भाग में तो आपको आसानी हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको कर लेनी है। और इसके बाद फिर इस वीडियो को ध्यान से टाइम देना होगा, थोड़ा थोड़ा मेहनत करना होगा कि आपको कहाँ कहाँ कट लगाना है। तो आपको यहाँ जहाँ आप शर्ट को हाथ से खींच रहे हैं वहाँ एक कट लगाना है, और जहाँ आप शर्ट को हाथ में पकड़ के रखे हैं निकल के, जैसे शर्ट को निकाल के पकड़ के रखे हैं वहाँ एक कट लगाना है, दो कट लगाना है। तो चलिए मैं कट लगा के दिखाता हूँ फ्रेंड्स, और उसके बाद थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दूंगा, वहाँ आपको समझ लेनी है कि कैसे कैसे कट लगाना है। तो इस भाग को ध्यान से देखना तभी आपका वीडियो कम्प्लीटली अच्छा से बन पाएगा। एक तो यहाँ एक कट लगा देना जहाँ मैं शर्ट को हाथ से खींच रहा हूँ, और एक जो मैं शर्ट को निकाल के हाथ में पकड़ के रखा हूँ यहाँ एक कट लगा देना। तो ये वाला हिस्सा को कट लगा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और कट लगाने के बाद ये खत्म, मतलब ये बेकार का हिस्सा डिलीट हो जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही मेरा ये इफेक्ट मिल रहा है, देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैं शर्ट निकाल रहा हूँ, तो इस तरह से सारे वीडियो को आप जितने हैं कम्प्लीटली वीडियो को बना लेना। तो फ्रेंड्स, जब आपका वीडियो पूरा कम्प्लीटली इस टाइप से आप कट मतलब एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको और एक चीज़ ध्यान देने की जितने भी आपको कट लगाना है उस पर बीच में आपको ये जूम आउट क्लासिक ट्रांजेक्शन में जूम आउट वाला जो ये ऑप्शन दिया गया है इस पर लगा देना, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस पर सारे पे इसी इफेक्ट को लगाना है ताकि ये सही से दिखे। तो देखिए कुछ इस तरह से प्ले करके मैं दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है। और एक चीज़ ध्यान देना कि सब जितने भी वीडियो सबके जो साउंड को है ऑफ कर देना, ओरिजिनल साउंड जितने भी है सारे ऑफ कर देना है, इस तरह से आप भी ऑफ कर लेना। और हो सके तो फ्रेंड्स, मैं तो सिंपल ही से आपको दिखाने के लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें डांस भी कर सकते हैं, कोई एक्टिंग भी कर सकते हैं, और वीडियो को शूट करके इस तरह से कपड़ा को चेंज कर सकते हैं तो और भी बेटर लगेगा। तो मैं तो सिर्फ ट्यूटोरियल के माध्यम से एक सिखाने के पर्पज से बनाया, तो उतना नॉर्मली सिंपल तरीका से ही बनाया शूट किया हूँ वीडियो को। तो आप ऐसे भी अच्छा शूट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इस पर जब आप कम्प्लीटली बन जाए तो फ्रेंड्स इसको आप टिकटॉक पे थोड़ा बहुत जो लाइटिंग वाला इफेक्ट रहता है उसको लगा देना, और एक अच्छा सा ट्रेंडिंग म्यूजिक जो म्यूजिक अभी चल रहा है कपड़ा चेंज नहीं करता उस म्यूजिक को यहाँ से लगा सकते हैं। तो फिलहाल काइनमास्टर के जितने भी एडिटिंग है यहाँ कम्प्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो टिकटॉक एप्लीकेशन के ऊपर है। तो टिकटॉक को पहले आप ओपन कर लेना, और वो जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट करी है उस वीडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट कर देना, ठीक है, पोस्ट करने के लिए इम्पोर्ट कर देना। ये वीडियो था मेरा, इस वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट में जाना और इफेक्ट में जाना, और इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट आपको सेलेक्ट करना है ये मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर जो एक ये फ्लैश वाला इफेक्ट है इसको लगा देना, इसको जहाँ से लगा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार लग रहा है देखने में, आप देख सकते हैं वीडियो कुछ इस तरह लग रहे हैं। और इस पर जब आप यहाँ कपड़ा को चेंज कर रहे हैं तब यहाँ थोड़ा थोड़ा इफेक्ट लगा देना है, जैसे ये
यहाँ पर बस जहाँ मतलब कपड़ा को चेंजिंग में ला रहे हो वहाँ एक इफेक्ट डाल देना है, जैसे ये इस तरह से आपको देख देख के लगा देना है। देख लिए ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप अपने वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं। आप दिखाता हूँ मैं प्ले करके इस वीडियो को, देखिए ये कुछ रहा वीडियो, हो गया फ्रेंड्स। अब जहाँ मैं नेक्स्ट वीडियो को, मैं नेक्स्ट कपड़ा को चेंज कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से इफेक्ट, मतलब मेरा तो जल्दी जल्दी मैं पुनः, आप फ्रेंड्स इससे भी बेटर बना सकते हैं और कुछ इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें नॉर्मली से कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर और एक चीज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर अपना जो साउंड को यहाँ सेलेक्ट कर लेना, कोई भी ट्रेंडिंग साउंड, तो साउंड आप सेलेक्ट करके और सिंपली से पोस्ट कर देना। और आई होप फ्रेंड्स इतना बताने के बाद आप लोग को इजीली से सारा चीज़ समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से इस टाइप के जो वीडियो को शूट करे, एडिटिंग करे और पोस्ट करे, पोस्ट करने के टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, ये भी मैंने सारा चीज़ इस वीडियो में बता दिया। तो वीडियो को आई होप समझ में आ गया, तो लाइक ज़रूर करना और अच्छा लगे तो शेयर अपने पर फ्रेंडों के साथ जरूर करना। और हमारे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो इस टाइप का डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।